हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी बैंकिंग, इंश्योरेंस और एसएससी के एग्ज़ाम्स में इस समय पूछा जा रहा है। तो इसकी क्या बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, क्या फॉर्मेट होता है इसका, ये हम देखेंगे। देखिए, मेनली दो तरीके के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को आप ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हैं और इनफॉर्मल लेटर को आप पर्सनल लेटर भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर जो हैं वो अथॉरिटीज़ को, ऑफिशियल्स को और एडिटर्स को लिखे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को लिखे जाते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर में। और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में जब लेटर आएगा तो केवल क्वेश्चन लिखा होगा, वहाँ पर ये मेंशन नहीं होगा कि ये लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। वो आपको देखना होगा कि इस लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, इस लेटर का फॉर्मेट फॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग होगा या इनफॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग होगा। यदि लेटर आपको किसी फ्रेंड को लिखना है या फैमिली मेम्बर को लिखना है तो डेफिनेटली इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में वो आएगा और उसी का फॉर्मेट अप्लाई होगा। और किसी ऑफिशियल को लिखना है, अथॉरिटी को लिखना है, किसी ऑफिसर को लिखना है, एडिटर को लिखना है, मेयर को लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो लेटर होगा वो फॉर्मल लेटर होगा। फॉर्मल उसका फॉर्मेट आपको अप्लाई करना होगा। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसमें बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी एक लेटर को लिखते समय। तो इसका मैं अभी आपको एक बेसिक फॉर्मेट भी बताऊंगा और रियल जो लेटर है वो भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। लेकिन उससे पहले आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें। डू नॉट राइट योर ओन ओरिजिनल नेम एंड एड्रेस, यूज़ ए बी सी और एक्स वाई जेड इंस्टेड। मतलब आपको अपना ओरिजिनल नाम और अपना ओरिजिनल जो एड्रेस है उसको आपको यूज़ नहीं करना है लेटर में। आपको या तो ए बी सी लिखना है या एक्स वाई जेड लिखना है। और नॉर्मली एड्रेस नहीं दिया जाता तो उसकी जगह आपको इमेजिनरी एड्रेस को यूज़ करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट यूज़ एस एम एस लैंग्वेज। जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, शॉर्ट फॉर्म तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एस एम एस लैंग्वेज जो होती है, जैसे एज सून एज पॉसिबल के लिए आपने एस एप लिख दिया, या कोई दूसरे जो वर्ड हैं जो एस एम एस में यूज़ होते हैं, उनको आपको यूज़ नहीं करना है किसी भी तरह की लेटर राइटिंग में। डू नॉट यूज़ टू एंड यूज़ ऑफ कॉम शुड बी लिमिटेड। पहले हम टू का प्रयोग करते थे, टू द मैनेजर या टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन इस समय टू का प्रयोग नहीं होता है करेंट फॉर्मेट में। और कॉमास का प्रयोग भी आपको मैक्सिमम 2 या 3 बार उसमें करना है। वो अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। एवरीथिंग टू बी रिटन इन द लेफ्ट। सारी चीज़ें आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट में कुछ भी नहीं लिखना है। ये करेंट इसका फॉर्मेट है। बी टू द पॉइंट प्रिसाइज, एकदम से आपको टू द पॉइंट रहना है, प्रिसाइज रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं लिखना है जो कि एक्स्ट्रा हो या रेलिवेंट नहीं हो, तो उसको आपको उस लेटर में इंक्लूड नहीं करना है। एकदम से टू द पॉइंट और उसमें प्रिसाइज वर्ड का यूज़ करके आपको उस लेटर को लिखना है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट जो है मिलेगी। नॉर्मली फॉर्मल लेटर की जो वर्ड लिमिट होती है वो 100 से 150 वर्ड्स होती है, और इनफॉर्मल लेटर की जो वर्ड लिमिट होती है वो 150 से 200 होती है, और 250 से 300 जो वर्ड लिमिट होगी वो ऐसे की होगी आपके एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम में और एसएससी एग्ज़ाम में जो ऐसे आता है उसकी 250 से 300 वर्ड की लिमिट होती है ऐसे की। एग्जामिनर विल नॉट मेंशन व्हाट काइंड ऑफ लेटर इट इज़। डेफिनेटली एग्जामिनर आपको मेंशन करके नहीं कि लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। आपको उसको डिसाइड करना है कि किस तरह का फॉर्मेट इसमें अप्लाई होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देखिए, नीचे मैंने जो लिखा है यहाँ पर कि आपको टोटल 30 मिनट मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में बैंकिंग एग्ज़ाम में, जिसमें से एक आपको ऐसे लिखना है और एक लेटर लिखना है। तो लेटर के लिए आपको जो मैक्सिमम टाइम देना है वो 12 मिनट का टाइम देना है, और 18 मिनट में आपको ऐसे लिखना है। 12 और 18 मिनट आपको इस तरह से देना है। तो 12 मिनट को आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 मिनट आपको प्लानिंग में देना है, 8 मिनट आपको राइटिंग में देना है और 2 मिनट आपको रिवाइज करने में देना है। उसको रिवाइज करना है, उसको देखना है पंक्चुएशन वगैरह सही है कि नहीं, वर्ड उसमें सही है कि नहीं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कॉमास, ये सारी चीज़ें देखना है आपको 2 मिनट के अंदर। तो टाइम थोड़ा सा कम है, 12 मिनट का टाइम में आपको ये करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करनी होगी।
और इसकी वर्ड लिमिट, वर्ड आपकी जो स्पीड है वर्ड पर मिनट, वो 50 to 60 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड निश्चित रूप से होनी चाहिए। और ये काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है। इस स्पीड को अचीव करने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी कंप्यूटर पर। तो ये आप प्रैक्टिस करना अभी से आप शुरू कर दें, ये डेफिनेटली काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और प्रैक्टिस टाइपिंग मोर एंड मोर, डेफिनेटली ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कंप्यूटर पर करनी होगी। और यूसेज ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी करेक्ट, सारे सेंटेंस आपके सही होने चाहिए, ग्रामर का सही यूज़ होना चाहिए, टेंस का सही यूज़ होना चाहिए उसमें आपको। तो ये सारी चीज़ें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप एक परफेक्ट लेटर लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, ये एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने बताया है यहाँ पर फॉर्मल लेटर का। राइट ए लेटर टू द ब्रांच मैनेजर SBI इन नॉट मोर देन 100 to 120 वर्ड्स रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग द लॉस ऑफ ए लॉकर की। तो SBI की एक ब्रांच है, उसमें आपका अकाउंट है, वहां पर आपने एक लॉकर लिया हुआ है और उस लॉकर की जो की बैंक के द्वारा आपको दी गई थी वो खो गई है, तो उसकी शिकायत आपको ब्रांच मैनेजर से करना है और उसका एक लेटर आपको लिखना है। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, देखिए ये है एक बेसिक फॉर्मेट। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस मीन्स आपका खुद का जो एड्रेस है वो लिखना है। इस एड्रेस को आपको 2 या 3 लाइनों में लिखना है, नॉर्मली 2 लाइनों में होता है, लेकिन 2 या 3 लाइनें जो होती हैं वो आइडियल सिचुएशन है। 2 लाइनों में या 3 लाइनों में आपको अपना सेंडर्स जो एड्रेस है वो लिखना है, और ये पूरी तरीके से इमेजिनरी होगा। नॉर्मली ये एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा, इसको इमेजिनरी बना के आपको इसको लिखना है। उसके बाद डेट लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस मतलब जिसको 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 लेटर मिलेगा, और इसको भी आपको 2 या 3 लाइनों में लिखना है, और ये एड्रेस जो होगा ये इमेजिनरी होगा। डेजिग्नेशन आपको मिल जाएगी क्वेश्चन में, जैसे ब्रांच मैनेजर SBI, लेकिन उसके बाद का जो एड्रेस है वो आपको इमेजिनरी एड्रेस यूज़ करना है। डेट का जो फॉर्मेट होगा वो जैसे जैसे 18th of August, 18th अगस्त 2017, आप इस तरीके से लिख सकते हैं उसमें। तो ये एक सही फॉर्मेट है, या August 18, 2017, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसमें पहले सेंडर एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, और फिर रिसीवर एड्रेस आएगा। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेंडर एड्रेस इसलिए लिखना ज़रूरी है कि जिसके पास लेटर जाएगा उसको ये पता होना चाहिए कि ये लेटर कहाँ से आया है, तो इसलिए सेंडर एड्रेस लिखना इसमें ज़रूरी होता है फॉर्मल लेटर में। और रिसीवर एड्रेस और डेजिग्नेशन इसलिए लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो होता है जहाँ पर आपका लेटर जाएगा उसमें कई सारी डेजिग्नेशन के लोग होते हैं, जैसे मैनेजर्स होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, GM अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं, अकाउंटेंट क्लर्क अलग होते हैं। तो किस व्यक्ति को, किस डेजिग्नेशन को वो लेटर पहुँचना है, किसको आप एड्रेस कर रहे हैं, वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए रिसीवर एड्रेस इसमें ज़रूर आएगा, पहले सेंडर एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, और उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा, ठीक है। तो ये एक इसका आइडियल एक फॉर्मेट है इसका। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है, जैसे डियर सर, डियर मैम, सर मैम, ये मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली सर या मैम लिखना सही होता है यदि आप एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यदि आप एक ही डिपार्टमेंट में आपको लेटर भेजना है तो वहाँ पर डियर सर या मैम आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप लेटर भेज रहे हैं तो सर स्लैश मैम या मैडम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो वो सही वहाँ पर माना जाएगा। उसके बाद एक लाइन में आप सब्जेक्ट लिखिए, और सब्जेक्ट को हम अंडरलाइन करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है SUBJECT, इसको आप कैपिटल में लिखिए। बाकी जो सब्जेक्ट लाइन है उसको एक लाइन से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, और एकदम प्रिसाइज 3 या 4 वर्ड में लिखिए सब्जेक्ट को, नॉर्मली वो अच्छा होता है। और यहाँ से एक लाइन छोड़ना, देखिए जो लाइन की जो मैंने स्पेसिंग दी है कि जैसे यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, और यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है, तो ये करेक्ट इसकी स्पेसिंग है, और इसी तरीके से आपको स्पेसिंग देना है। और फॉर्मल लेटर को स्टार्ट करने के लिए जो आइडियल लाइन होती है वो होती है दिस इज़ टू इन्फॉर्म, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम इन दिस एरिया, आपको इस तरीके से शुरू करना है। और किसी मेयर को आप लेटर लिख रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसी मेयर को, कमिश्नर को आप लेटर लिख रहे हैं, तो ये 3 बेसिक पॉइंट आपको बॉडी पार्ट जो है, जो मेन पार्ट है लेटर का, उसमें लिखना है। सबसे पहले कोई
कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद उस प्रॉब्लम की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस इशू की वजह से क्या प्रॉब्लम्स या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो आपको मेंशन करना है, और उसके बाद आपको रेमेडी या सजेशन सजेस्ट करना है। इंट्रोड्यूस, प्रॉब्लम और सजेशन, ये तीन चीज़ें लिखनी है आपको, जो जो मेन पार्ट होता है लेटर का, उसमें ये तीन चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू लिखना है और योर्स सिंसियरली लिखना है। योर सिंसियरली की जगह आप सिंसियरली योर्स भी लिख सकते हैं, और उसके बाद एक्स वाई जेड लिखना है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। सबसे ज़्यादा सेफ जो होता है वो सिंसियरली होता है, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली भी आप लिख सकते हैं। योर्स फेथफुली हम उस केस में लिखते हैं जब हम सामने वाले व्यक्ति को जानते नहीं हैं। यदि हम जानते हैं तो योर सिंसियरली लिख सकते हैं, अदरवाइज योर सिंसियरली लिखना सबसे सही होता है सभी सिचुएशंस में। इनफॉर्मल लेटर में हम लविंगली या अफेक्शनेटली जैसे वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में योर सिंसियरली आप सभी सिचुएशंस में लिख सकते हैं। योर सिंसियरली या सिंसियरली योर्स, और योर्स में अपोस्ट्रफी एस का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, और उसके बाद एक्स वाई जेड लिखना है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, और यहाँ पर मैंने आपको बताया है रियल लेटर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है जिसमें एसबीआई मैनेजर, ब्रांच मैनेजर जो एसबीआई का है उसको आपको लेटर लिखना है, और उसमें आपको एक शिकायत करनी है, एक अपनी सिचुएशन बतानी है कि आपकी की खो गई है लॉकर की, और दूसरी की दिलवाई जाए और उसका उसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो इस बारे में ये लेटर लिखना है। तो उस लेटर को यदि आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, C45 लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली। ये इमेजिनरी एड्रेस है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो लाइन में है मैक्सिमम, ये तीन लाइन में हो सकता है, लेकिन चार लाइन में इसको मत लिखिए, नॉर्मली ये दो या तीन लाइन में रहता है। उसके बाद 18th अगस्त 2017, ये डेट का सही फॉर्मेट है, या आप लिखिए अगस्त 18। अगस्त यदि आप पहले लिखते हैं तो फिर TH वर्ड नहीं आएगा, अगस्त 18 2017, ठीक है। इसके बाद स्पेस देके यहाँ पर लिखिए ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मयूर बिहार फेज 3 और न्यू दिल्ली 92। ये इमेजिनरी है, ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है, लेकिन ये नीचे की जो दो लाइनें हैं ये इमेजिनरी हैं। ये आपको कुछ भी लिखना है इसमें, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है लॉस ऑफ ए लॉकर की। देखिए इस तरीके से प्रिसाइज फॉर्मेट में आपको सब्जेक्ट को लिखना है, पूरी पूरी कहानी उसमें आपको नहीं बतानी है, तीन या चार वर्ड का उसमें यूज़ करना है, लॉस ऑफ ए लॉकर की। और इस तरीके से सब्जेक्ट को आप कैपिटल में लिखें तो अच्छा होगा, इसको अंडरलाइन नॉर्मली किया जाता है, ये करेक्ट फॉर्मेट है। और उसके बाद लिखिए सर या मैडम, उसके बाद लगाइए कॉमा। डियर सर या डियर मैम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सर मैडम लिखना सही होता है, और केवल अकेला सर मत लिखिए क्योंकि उस पोस्ट पर लेडी भी कोई हो सकती है, तो सर स्लैश और मैडम उसके बाद कॉमा, ठीक है। ये एक सही फॉर्मेट है। और उसके बाद यहाँ से लिखिए दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव ए लॉकर नंबर 9586। ये इमेजिनरी है इन योर ब्रांच। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम बताई, उसके बाद आपने उस क्या प्रॉब्लम है उसको एक्सटेंड किया आपने। द की टू दिस लॉकर हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर ड्यूरिंग माई जर्नी फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस ऑन 10th जुलाई 2017। मेरे पास जो लॉकर है उस लॉकर की खो गई है मुझसे रेजिडेंस से ऑफिस जाते समय 10 जुलाई 2017 को। दिस लॉस हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड टू द पुलिस एंड ए फोटो कॉपी ऑफ द रिसीट ऑफ दिस रिपोर्ट इज बीइंग इनक्लोज। मतलब इस लेटर के साथ आप एक फ़ोटो कॉपी भेज रहे हैं, जो आपने पुलिस में जो रिपोर्ट लिखाई है उसकी फ़ोटो कॉपी इस लेटर के साथ आप अटैच करके भेज रहे हैं। तो जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन एक ब्रांच मैनेजर को चाहिए केवल वही आपको लिखना है, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लिखना है। पूरी तरीके से लेटर को ऑर्गेनाइज और कॉम्पैक्ट वे में लिखना है, प्रिसाइज वे में लिखना है। तो ऊपर आपने ये लिखा कि इसकी चाबी जो है, इसकी जो की है वो खो गई है, और की कैसे खोई है ये भी आपने मेंशन कर दिया, किस डेट को खोई है ये भी आपने मेंशन कर दिया। तो सारी ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर दे दी है। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैनेजर से, आप मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई ज़रूरी एक्शन लें इसके रिगार्डिंग। तो आपने लिखा है कि काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड एंड ओब्लाइज। ये एक बेस्ट लाइन है, काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड एंड ऑब्लाइज। उसके बाद थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली आप लिख सकते हैं, और उसके बाद एक्स वाई जेड। तो ये लेटर आपको बैंकिंग एग्जाम में लिखना है, और ऐसा लेटर यदि आप लिखते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो चाहे वो SSC एग्जाम हो।
ठीक है, तो इसमें मैंने एक फॉर्मल लेटर बताया है आपको, आगे मैं कई सारे और फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल इनफॉर्मल लेटर और ऐसे आपको बताऊंगा बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो उनको मैं अपलोड करूंगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक है तो इस नंबर पर आप मुझे ज़रूर दीजिए, और मेरा ईमेल आईडी यहाँ लिखा हुआ है। इसके रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट आप करें, और डिस्कशन फोरम में भी अपना फीडबैक आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। यहाँ से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, test.englishadvantage.in, और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।